गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जय माता दी, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मट्ठे के आलू, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल चल रहे हैं नवरात्रि। तो नवरात्रों में प्याज लहसुन की सब्जी नहीं बना सकते। मट्ठे के आलू में प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ता है, इसको जीरे से और हरी मिर्च से छौंक दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मट्ठे के आलू छौंक दिए हैं और बस अभी ये खदकने वाले हैं। तो बस मट्ठे के आलू मैंने बना दिए, दो टाइम के लिए हो जाएंगे। तो ये शाम की क्लिप हैगी। तो बस ये देखिए, हमारे मट्ठे के आलू रेडी हो चुके हैं। मैंने बीच में आज छोंकते वक्त शूट नहीं किया। और ये देखिए, ये मट्ठे के आलू बहुत टेस्टी बने थे और टेस्टी भी लगते हैं मट्ठे के आलू। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मट्ठे के आलू कैसे लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरे घर में तो बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और धनिया पत्ती डालने के बाद तो जो इनका टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। यहाँ पर मैंने खीरा भी कट करके रख लिया है और थोड़े से चावल बनाऊँगी जो। सो गाइज, यहाँ पे नहा लिया मैंने, अपने घर का सारा काम कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा। ये है संडे की क्लिप है, मतलब आज की ही क्लिप है। तो यहाँ पे बस मैंने मंदिर में दिया जला दिया है, लड्डू गोपाल को भी निला दिया है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ साइड में लड्डू गोपाल जी के कपड़े वगैरह रखे हैं, उनको मैंने निला दिया था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ हवन की तैयारी। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो हमेशा नवरात्रों में 9 दिन ना माता रानी का ना, मतलब जो छोटा सा होम होता है, थोड़ा सा हवन ज़रूर करते होंगे। तो मेरी ये शुरू से आदत है, मैं पूरे 9 दिन ना जो कंडा होता है हमारा, गोबर का उपला होता है, इसका मैं होम करती हूँ। और इसमें मैं 2 लौंग हो गई और कपूर हो गया, इन सब चीज़ों को जला के मतलब एक छोटा सा होम कर देती हूँ। दिया मैंने जला दिया है और बस थोड़ा सा आरती कर दूंगी दोनों साइड। और माता रानी की चौकी मैं अलग लगाती हूँ, क्योंकि फिर ना मंदिर छोटा सा है ना, तो अच्छे से पूजा पाठ नहीं हो पाती है। और आप में से मैंने उस दिन काफ़ी सारे लोगों के कमेंट पढ़े थे, उन्होंने बोला था कि रिया हमारे यहाँ पे पूजा नहीं होती है। तो देखो, मैंने आप लोगों को उस दिन भी बोला था कि सबके जो रीति रिवाज होते हैं ना वो अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना कोई भी त्यौहार ना छोड़ा नहीं जाता है। अगर कोई चला जाता है तो उसके बाद त्यौहार नहीं छोड़ा जाता है। सारे त्यौहार उतने अच्छे से नहीं मनाए जाते, लेकिन सारे त्यौहारों को मनाया ज़रूर जाता है। और जब ये हवन हम घर में जलाते हैं ना, मतलब ये कंडे का, और इसमें घी डालते हैं, कपूर डालते हैं, तो घर में ना इतनी अच्छी खुशबू आती है, एक मतलब पॉजिटिव माहौल सा हो जाता है। तो कौन कौन ये छोटा सा हवन करता है कमेंट करके ज़रूर बताना। 9 दिन बरती मैं इसलिए नहीं रहती हूँ, मुझसे नहीं रहे जाते हैं। और देखो, मैं तो ये जानती हूँ कि भगवान ये बोलते हैं कि उतनी ही पूजा करो जितना कि आपका शरीर कर सके। तो बस मैं पूजा पाठ इतनी ही करती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो चुकी है और पूरे घर में ना जो मतलब होम किया है ना, उसका धुआं धुआं सा हो रहा है, तो बड़ा अच्छी सी खुशबू सी आती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं पीने जा रही हूँ चाय। चाय मैंने बना ली है। पनीश और नहा रहे हैं क्योंकि इन्हें सुबह जाना था ट्यूशन, और संडे था ना, तो संडे वाले दिन ना हम लोगों की आँखें ना लेटी खुलती है। तो ये लोग है ना बस कॉलगेट वगैरह करके चले गए थे ट्यूशन, अब आके इन्होंने दूध वूध पिया, अब नहाएंगे। तो कोई नहीं, कभी कभी तो चलता है। वैसे तो सुबह ही नहा धो के जाते हैं ये, ट्यूशन आज थोड़ा लेट हो गए हैं। तो चलिए हम पी लेते हैं चाय, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था। सुबह सबने दूध चाय और चाय के साथ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था, और थोड़ा सा मैंने सीताफल बनाया था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। और थोड़ा सा ना रात की मट्ठे के आलू की सब्जी भी रखी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ रायता, क्योंकि आज सब लोग घर पे हैं तो मैंने सोचा रायता बना लेती हूँ। रायता ना सबको अच्छा लगता है, और इस टाइम गर्मी का मौसम आ जाता है ना, तो खीरे का रायता, घी का रायता, बूंदी का रायता, ये सबको अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती कट कर दी। वैसे ना बच्चे पहले धनिया पत्ती रायते में खाते नहीं थे, लेकिन अब खा लेते हैं, उनको भी थोड़ा सा टेस्ट लगने लगा है। धनिया पत्ती अगर रायते में आप डाल दो ना, तो सच में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल डाल के हींग जीरे से लगा दूंगी रायते में तड़का। तो बस आज बच्चों को सीताफल की सब्जी भी बहुत अच्छी लगी। रायते के साथ अगर आप सीताफल की सब्जी खाओ ना, तो सच में बहुत टेस्टी लगती है। पहले परीश और सीताफल नहीं खाते थे, लेकिन एक दिन मैंने सीताफल बनाया, उनको इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मन से अगर कोई सब्जी खाओगे तो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो बस आजकल वो सीताफल भी खाने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन खाने लगे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ सेकनी स्टार्ट कर दी, और अभी अभी मुझे कहीं जाना है। मम्मी कहाँ जा रही हो? मैं माता के कीर्तन में। किसके? माता के कीर्तन में। किसके यहाँ? आंटी के यहाँ। अच्छा, मम्मी तो जाएंगी नहीं, तो मेरे को जाना पड़ेगा। साड़ी पहन लेती? साड़ी पहन लेती। नहीं अच्छी लग रही क्या? नहीं नहीं, अच्छी लग रही है। 1 2 3 आपके आगे पेश कर रहे हैं एकदम संस्कारी बहू। आप बताओ, ये आ चुकी हैं संस्कारी बहू।
संस्कार से भरी हुई बहू, संस्कारी बहू। लगनी थी आप सूट में सही। हाँ हाँ आप लोग बताना, सूट में सही नहीं लग रही? साड़ी में बड़े झंझट हो जाते हैं। अच्छी लग रही है, सूट पहन के ही जा रही हूँ। अब बोलो। मम्मी जाएंगी नहीं तो इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। शोर रहा थम जा। सो फ्रेंड्स, हम लोग मतलब मैं हो चुकी हूँ तैयार जाने के लिए। मम्मी नहीं जाएंगी तो इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, हो चुकी है मेरी शाम की आरती। यहाँ पे से किस चीज की आवाज आ रही है? तो शाम की आरती मैंने कर ली है, बच्चे गए हुए हैं दुकान। कीर्तन में से आने के बाद फटाफट से हाथ मुंह धोए, सारे कपड़े उतारे जो कपड़े धोके डाले थे, और कर दी मैंने पूजा। घर पे आया हुआ है राशन। आज परीश और के चाचा जी की छुट्टी है तो राशन आ रखा है। तेल, रिफाइंड, ये अरहर की दाल और ये मूंग की दाल है, आटा, तो ये सारा सामान भी आ गया है। अभी कुछ सामान और लाना बाकी है जो अभी वो लेके आएंगे। बच्चे गए हुए हैं दुकान
मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूं, और व्लॉग में मुझे समझ में नहीं आता मैं व्लॉग में क्या बनाऊं। हाँ कुछ दिन बाद आप लोगों को व्लॉग अच्छे मिलेंगे, हम कहीं जा रहे हैं। अच्छा आप लोग मुझे गैस करके बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिसका आंसर सही निकलेगा वो होगा विनर, ठीक है। वो होगा फर्स्ट विनर। तो आप लोग ज़रूर अंदाज़ा लगाना कि हम कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ जा सकते हैं बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। और बुधवार की नौमी हैगी, आप लोगों के यहाँ भी बुधवार की नौमी होगी। वैसे अब की बार नवरात्रे बताते हैं अच्छे हैंगे, क्योंकि अब की बार जो माता है कहते हैं नाव पे बैठ के आई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बैठ के आती हैं माता। तो हमारे यहाँ पे आंटी रहती हैं, उन्होंने बताया था कि नाव पे बैठ के आई हैं माता, तो नाव तभी तो बारिश वगैरह हो रही थी नवरात्रों में, तो कहते हैं नाव पे बैठ के आती हैं माता तो अच्छे होते हैं। और मेरे बाल कितने सारे सफ़ेद हो रहे हैं, पता जब से मुझे कोविड हुआ था ना, पिछले साल जब मुझे कोविड हुआ था, मैंने कोविड में जो दवाइयाँ खाई थी ना, उसके बाद से मेरे जो बाल हैं बहुत सफ़ेद होने लगे थे। और मेरी एक फ्रेंड है उसको भी कोविड, उसके भी बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं। मतलब मेरे जो जान पहचान में है जिसको भी कोविड के सिम्टम्स थे ना, उन्होंने जो दवाइयाँ खाई थी ना, उसके बाद उन काफ़ी सारे लोगों के तो बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। मेरे तो फिर भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। तो बताते हैं कि इनमें ना थोड़ा सा एस्ट्रॉयड वगैरह होता है, क्या कहते हैं उसको, तो उसकी वजह से ज़्यादा सफ़ेद हुए बाल। वैसे मेरे एक भी बाल सफ़ेद नहीं थे, मेरे बाल सिल्की बहुत हैं लेकिन पतले बहुत हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अभी काफ़ी सारे लोग मुझसे इस टाइम पे नए जुड़ रहे हैं, जो मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, तो मैं आप लोगों के सवालों के जल्दी जवाब दूंगी। पता है मेरे सिर्फ इस तरीके की वीडियो बनाने का, जो हम क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाते हैं, बनाने का सिर्फ मेन कारण यही होता है कि मेरे पास ना दूसरा मोबाइल नहीं है। जब दूसरा मोबाइल होता है ना, तो उससे क्या होता है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन देखती रहूं और फिर उनका आंसर करती रहूं, तो मेरा वीडियो बनाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मुझे आप लोगों के क्वेश्चन ना एक कॉपी पे लिखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद ना उनका नाम लिखना पड़ता है, क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, फिर उनका आंसर करो, फिर समझ में नहीं आता किसके क्वेश्चन लें किसके ना लें। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरा ये वाला जो फ़ोन है ना बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है इस टाइम, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे वीडियो बनाने में भी, क्योंकि काम करते करते ना ही बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है फ़ोन। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ की वीडियो पता नहीं कैसे बनेगी, इसमें इस फ़ोन को बहुत ज़्यादा मुझे खाली करना पड़ेगा। अब मैं एक दिन रात में बैठ के फिर इस फ़ोन में से जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो सब डिलीट करूँगी। वैसे तो उसमें फालतू का कुछ भी नहीं है, सभी चीज़ काम की हैंगी, लेकिन जो ये फ़ोन है ना, ज़्यादा इसकी रैम वगैरह ज़्यादा नहीं थी। ये मेरा भाई लेके आया था, 3-4 साल हो गए इस फ़ोन को, वैसे भी 3-4 साल तो बहुत होते हैं, लेकिन बहुत साथ दिया। लेकिन मेरे लिए ये बहुत लकी फ़ोन है, मेरा जो बड़ा भाई है वो लेके आया था फ़ोन, और इस फ़ोन से ही जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो ग्रो हुआ था, तो मेरे लिए ये लकी फ़ोन हैगा। मैं मतलब मेरा ना छोड़ने का मन नहीं करता, और मुझे ना महंगे फ़ोनों में ना पैसा वेस्ट करना लगता है। लेकिन अब मैं जब भी फ़ोन लूँगी, अगर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा फ़ोन लूँगी, ज़्यादा महंगा तो मैं फिर भी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही महंगा फ़ोन लूँगी। लेकिन देखते हैं, मेरे भाई ने बोला था कि वो उस पर लेते हैं ना, इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट पर ले लियो, हर महीने देती रहा करिए, कि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा। और अब अगली साल ना परी को फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 10th क्लास में, क्योंकि पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा फ़ोन से होती हैं। इस बार भी जब तक बच्चों के पेपर चले थे ना, तब तक मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो फ़ोन यूज़ करते थे ना इसलिए। और ये देखिए मेरे एयरिंग्स, मैं आप लोगों को एयरिंग्स दिखाऊँ, ये देखो, तो ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे से ना अपने लिए गोल्ड के एयरिंग्स बनवाए हैं। ये मैंने अपने स्टिचिंग के पैसे इकट्ठे किए थे, उससे मैंने अपने गोल्ड के एयरिंग्स बनवाए, मेरे पास थी नहीं, तो मैंने सोचा कि छोटे से अपने लिए एयरिंग्स बनवा लेती हूँ। कहीं जाते हैं ना तो हर जगह ना आर्टिफिशियल अच्छे नहीं लगते हैं, तो छोटे छोटे से मैंने अपने लिए बनवाए हैं गोल्ड के एयरिंग्स, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसमें आपको डिज़ाइन नहीं दिख रहा है, तो मैं किसी दिन ना इसको उतार के फिर आप लोगों को दिखाऊँगी, बहुत ही बारीक सा डिज़ाइन है, अच्छे लग रहे हैं ये, आज काफ़ी लोगों को पसंद आई है। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।